तो करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने साधा सभी राज्य सरकारों पर निशाना। उन्होंने कहा कि हर जगह कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि तीसरी लहर से बचने का प्रयास अभी से किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान सरकार को देना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि देश के अंदर जिस तरीके से दूसरी लहर में भयावह स्थिति देखने को मिली थी, उससे बचने के लिए हर जगह पर कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका है वो सरकार को उपलब्ध करवा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खास तौर से ग्रामीण इलाकों में इसका पूरा बेनिफिट से वो देखने को मिला चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका हर जगह पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि आसानी से लोग इसे लगवा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर सभी राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वो जगह जगह पर कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका उपलब्ध करवाए ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस टीके को लगवा कर कोरोना वायरस कोविड-19 की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, कोरोना टीकाकरण में जन भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब टीका आसानी से हर जगह पर सभी जगह को उपलब्ध हो जाएगा। वैसे कोरोना की दूसरी लहर की तरह इसकी तीसरी लहर से बचने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और बीएसपी की सभी राज्य सरकारों से तो यही मांग है। देश में सामान्य जनजीवन व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने व कोरोना से उत्पन्न विभिन्न जन समस्याओं के निदान के लिए सभी सरकार को निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए, वरना देश की आत्मनिर्भरता व अस्मिता के प्रभावित होने का खतरा व दूसरे लोगों को पूरे बुरे दिन और अधिक परेशान करने वाले हो सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मांग की कि लगातार सरकारें कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने का कार्य करें।